Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today we are here again with our grammar series, chapter number 3, the phrase and the clause. So, ये हमेशा से confusion रहती है students में कि phrase क्या है, clause क्या है और उसको बाद में distinguish करना. So, आज हम इनकी detail में नहीं जाएंगे kind of phrases and clauses में. We are going to just generally make a differentiation कि phrase क्या होती है और clause क्या है. ऐसे group of words जो कि sense दे, ठीक है, लेकिन complete sense नहीं दे रहा वो फिर भी, लेकिन थोड़ी बहुत sense आ रही है तो उसको हम phrase कहेंगे. ठीक है, और जिस तरह के है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. इन द ईस्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन अगर हम अकेला इन द ईस्ट बोलेंगे तो वो हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उसको किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो खुद एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन ये भी नहीं है कि वो सेंसलेस सी बात है. नहीं, इन द ईस्ट यानी कि हम कहते हैं ना इन द ईस्ट, अब वो हम कहेंगे हाँ जी क्या क्या है इन द ईस्ट, ये नहीं कि हमें इन द ईस्ट ही नहीं समझ लगेगी कि कोई सेंस ही नहीं बन रही. नहीं, सो दीज काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर द फ्रेजेस. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. अब यहाँ पे ऑफ ग्रेट ब्यूटी जो है वो यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, कुछ सेंस दे रही है बट नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस. इसके अलावा इसके अंदर देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जिस तरह के द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो. तो यहाँ पे देखें, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑफ द माउंटेन्स जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, प्रपोजिशन आर्टिकल एंड अ नाउन. सो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये मिलके क्या बना रहे हैं, फ्रेज बना रहे. दैट इज मेक सेंस, विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रेज. इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस तरह की ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. ठीक है, तो ऑफ गोल्ड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेज. ये देखें टू वर्ड्स हैं सिर्फ, लेकिन ये भी फ्रेज बना रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड हो तो वो वर्ड कहलाता है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा हो गया तो वो फ्रेज बन जाएगी. और इसके अंदर एक और हम देख लेते हैं. अच्छा, अगर हम अपना एक पिछला लेक्चर जो है उसको रिकॉल करना चाहें कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है वो फ्रेज है. ठीक है, कम्प्लीट विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. अब आप समझे, पूरा सेंटेंस ये है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सो इट हैज़ सम काइंड ऑफ अ सेंस बट इट इज़ नॉट गिविंग अ कम्प्लीट सेंस. तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेज आ जाएगी. लेकिन अगर हम वही, मैं दोबारा से कहूँगी, अगर हम अपना एक पिछला जो फर्स्ट लेक्चर है उसको अगर हम रिकॉल करना चाहते हैं, सेकेंड लेक्चर जो है सॉरी उसको रिकॉल करें, तो विच जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक, बन सकता है. क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन है. और इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि विच की जगह विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. यहाँ पे चेन आ सकता था, चेन आनी थी ना, यहाँ पे चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड. तो ये जो विच जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और इज मेड ऑफ गोल्ड जो है वो हमारे पास एज अ प्रेडिकेट एक्ट कर रहा है. ये हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए, बैक टू द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. सो अब क्लॉज क्या होती है? क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो कि सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे रही है, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, जिसके अंदर प्रेडिकेट भी होगा, और वो एक कंप्लीट उसकी सेंस है, कंप्लीट उसका मीनिंग है. जिस तरह के वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग. क्या हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब बारिश हो रही है? तो यहाँ पे वी कैन नॉट स्टार्ट सेंस दे रहे, कंप्लीट सेंटेंस है वी कैन नॉट स्टार्ट, लेकिन क्या स्टार्ट नहीं कर सकते? वाइल इट इज रेनिंग. क्यों नहीं कर सकते हम स्टार्ट? क्योंकि बारिश हो रही है. इट इज़ रेनिंग इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस ना, तो ये
हम आगे टाइप्स में भी देखेंगे क्लॉजेस की, कि व्हाइल इट इज रेनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है, वी कैन नॉट चार जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसके अलावा हम चलें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाला बना लेते हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल एंड आई वॉज गोइंग टू स्कूल एंड आई सॉ अ मंकी. आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इट इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस, एक कम्प्लीट सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है हमारे पास, कम्प्लीट उसकी सेंस दे रहा है, सेंटेंस भी बन सकता है, ठीक है. और उसके दरम्यान में हमने क्या यूज़ कर लिया, एंड उसके बाद क्या है, आई सॉ अ मंकी. आई सॉ अ मंकी भी एक कम्प्लीट सेंटेंस है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट हैज़ अ कम्प्लीट सेंस, जो कि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में देखा था कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कम्प्लीट सेंस देगा उसको हम सेंटेंस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि क्लॉजेस बन गए, ये यहाँ पे दो डिफरेंट क्लॉजेस जो हैं इस एंड की मदद से, उस कंजंक्शन की मदद से हमने उसको जोड़ दिया. नहीं तो हम उसको सेपरेट भी लिख सकते थे. जब हमने उन दोनों को साथ लिखा है तो वो अब एक सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो क्लॉजेस हैं. अदरवाइज आप ये समझ लें कि एक क्लॉज अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज है, यानी कि वो एक सेंटेंस है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं तो भी वो एक ही सेंटेंस है. तो ये नहीं है कि एक क्लॉज वाला जो होता है वो सेंटेंस नहीं होता. डिफ्रेंशिएट बच्चे ये करने में थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कि वो ये समझते हैं कि वो क्लॉजेज और सेंटेंसेज में भी आके डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि जो ए क्लॉज है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या ये क्या है, ये भी तो क्लॉज बन सकती है ना. तो जी हाँ, ये क्लॉज भी है लेकिन ये सेंटेंस भी है, क्योंकि हमें तो सेंटेंस चाहिए. तो क्लॉज ऐसा, क्लॉजेज ही वो होते हैं जो कि सेंटेंस को बनाने में यूज होती हैं, एक तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं, ये फ्रेजेस भी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन वो उसको हम एज अ सेपरेट सेंटेंस नहीं देख सकते, वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. और सेंटेंस की क्या शर्त है कि वो कंप्लीट सेंस दे. उसके ऑपोजिट जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो कंप्लीट सेंस भी दे रहा है लेकिन वो सेंटेंस के पार्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोड़ रहे हैं, कड़ियाँ जोड़ रहे हैं. इट्स लाइक अ चेन. पर्ल जो होता है वो एक पूरा पर्ल जो है वो चाहिए, ठीक है, एक तरह से आप कह लें वो है क्लॉज जिसने मिल मिलकर पूरी जो है वो चेन बनानी है. तो वो जो पूरी चेन है वो सेंटेंस है हमारे पास. सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच. वी विल बी बैक विद आवर अ न्यू लेक्चर दैट इज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच.